हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक पिज्ज़ा बेस की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पिज्ज़ा बेस बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा 2 कप मैदा। इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, 1 टीस्पून डालूँगा इसमें मैं चीनी। अब इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून नमक। अब इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हल्का गुनगुना पानी लेकर इसका मैं एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं इसका मैंने एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसको मैं फिर से लगभग 2-3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लूँगा। तो इसको मैंने 2-3 मिनट तक गूंथ लिया है। अब इसको मैं इस तरह कवर कर दूँगा क्लीन रैप से। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। और इसको मैं छोड़ दूँगा लगभग 1 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर। तो दोस्तों, लगभग 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा डो कितना फूल कर तैयार हो चुका है। तो अब इसकी एयर जो है हमें बाहर निकाल देनी है। और इसको मैं लगभग 15-20 सेकंड के लिए फिर से गूंथ लूँगा। तो अब इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूँगा। और इसके मैं इस तरह बॉल्स बना लूँगा, जैसे कि हम रोटियों के बॉल्स बनाते हैं। तो इसका मैंने इस तरह बॉल बना लिया है। तब सरफेस पर डालूँगा मैं थोड़ा सा मैदा और इसको मैं बेल लूँगा एकदम मोटा मोटा। तो इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से बेल लिया है। तो अब यहाँ पे लिए मैंने एक फॉक। इस फॉक की सहायता से मैं इसमें इस तरह छेद कर दूंगा। और इसको मैं पलट दूंगा और पीछे की साइड से मैं हजमें हल्के हल्के छेद लगा दूंगा, इस तरह निशान लगा दूंगा। तो हमारा पिज्ज़ा बेस है वो रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। तो इसको मैं बेकिंग ट्रे में डाल दूंगा और दूसरा पिज्ज़ा बेस भी मैं इसी तरह बनाकर तैयार कर लूंगा। इसमें भी मैं फॉक से इस तरह निशान बना दूंगा। और इसको भी हमें डाल देना है बेकिंग ट्रे में। तो अब इसको हम बेक करेंगे ओवन के अंदर। तो ओवन को मैंने लगभग 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था 200 डिग्री पर। तो अब इसको मैं 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह बेक करूँगा 200 डिग्री पर। तो दोस्तों, लगभग 8 मिनट बाद हमारे पिज्ज़ा बेस है रेडी हो चुके हैं। इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। तो ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह के हमारे पिज्ज़ा बेस रेडी हो जाएंगे। अब आप इस पर पिज्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।